ये हैं नितिन भाई, जिन्होंने अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। नितिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ये हमारी दुआ है। तो कैफियत एक्सप्रेस, जिसका संचालन आज से इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा शुरू हो गया, आज से क्या कल से दिल्ली की दिशा से जब यह ट्रेन चली रात में 8 बजे, तो इसमें वेव 7 लोको लगा दिया गया। और एरियल व्यू हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कैफियत एक्सप्रेस का, आजमगढ़ से दिल्ली के बीच में चलने वाली ये ट्रेन है। तो शाम को आजमगढ़ की दिशा से भी ये ट्रेन आएगी वेव 7 के द्वारा। और यही कयास लगाए जा रहे थे कि इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा कैफियत एक्सप्रेस का संचालन कब होगा। मरुधर एक्सप्रेस, उसका भी संचालन इलेक्ट्रिक लोको से अभी तक शुरू नहीं हुआ। काफ़ी समय से लोगों को इंतज़ार है कि कब मरुधर एक्सप्रेस में भी ई लोको लगेगा। किसान एक्सप्रेस की भी बात हो रही है, इसके अलावा इक्का दुक्का और भी ट्रेनें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सामने देख सकते हैं, जूम करके आप लोगों को दिखाएंगे, अगर गौर कीजिएगा आप लोग तो वेब 7 से ये देखिए कैफियत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया। आज ये ट्रेन लगभग 3.25 घंटे से देरी से चल रही है और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर लगभग 10:15 बजे के करीब में पहुंची। इसके अलावा हमारी कोशिश रहेगी कि कैफियत एक्सप्रेस का हम आप लोगों को नॉन स्टॉप व्यू भी दिखाएं। तो देख सकते हैं वेव 7 लगा हुआ है, पहली बार इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा कैफियत एक्सप्रेस का संचालन हुआ दिल्ली आजमगढ़, जिसका ट्रेन नंबर 1/22/25/26 है। तो एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर, ऐतिहासिक दिन, क्योंकि काफ़ी समय से ये लोग भी, यानी कि आप लोग भी देख रहे थे और लोग पूछ रहे थे कि कब इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा कैफियत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा। जूम करके बकायदा दिखा रहे हैं, खूबसूरत वीडियो एक अच्छा सा बनाया है, ये देखिए। तो शाहगंज की दिशा में जाती हुई ये कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन, LHB कोचेस वगैरह लगे हुए हैं इसमें सब। तो कैफियत एक्सप्रेस में इलेक्ट्रिक लोको लगने की जो शुरुआत होनी थी वो 16 अगस्त 2022 से होनी थी, यानी कि आज़ादी के अगले दिन से ही, लेकिन रेलवे को फैसला तुरंत बदलना पड़ा और 1.5 महीने पहले इलेक्ट्रिक लोको इसमें लगा दिया गया। तो बहुत सही किया रेलवे ने, ऐसे निर्णय की बहुत आवश्यकता होती है कि जल्द से जल्द निर्णय लिया जा सके कि इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा ट्रेनों का संचालन कब शुरू होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, सबसे बड़ी बात यही है, और रेलवे को इसमें प्रॉफिट होता है। इसके अलावा हमारी कोशिश यह भी रहेगी कि कल आप लोगों को हम जौनपुर शाहगंज पर डबलिंग का अपडेट देंगे मणिकला रेलवे स्टेशन हॉल्ट से, जहां पर संभवता है कि 5 या 6 तारीख में जौनपुर से खेता सराय के बीच में इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा CRS स्पीड ट्रायल भी करा लिया जाए। और ये CRS स्पीड ट्रायल हो सकता है मोहम्मद लतीफ़ खान साहब करें, चूँकि ट्रैक भी नया है डबलिंग का, इसलिए डबलिंग का भी CRS किया जाएगा रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ। तो डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम उधर चल रहा है, चूँकि ब्लॉक लिया गया था वहाँ NI के कार्यों को करने के लिए, प्री NI के कार्यों को करने के लिए भी, तो उसकी जो तारीख है वो आज ख़त्म हो रही है। तो देखना होगा कि ट्रेनों को पुराने रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिलहाल मऊ और इहार वाराणसी के रास्ते ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जो ट्रेनें इधर से मऊ आजमगढ़ शाहगंज जौनपुर होते हुए जाया करती थी। तो एक छोटा सा वीडियो अपडेट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।